अब कई बार ऐसा होता है कि घर पे सब्जियां नहीं होती, लेकिन आलू जरूर पड़े होते हैं। और यहाँ आलू की बहुत ही बढ़िया सब्जी बन सकती है। ये रेसिपी आपको सच में बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और बेस्ट बात तो ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मसाला आलू बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है 4 बॉइल्ड आलू। इन्हें हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें छोटे या फिर बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अब एक पैन में ऐड करें ऑयल और गैस को रखें मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हल्का गर्म होते ही आपने गैस को कर देना है लो फ्लेम पे, ताकि हमारे मसाले जले ना। तो सबसे पहले इसमें ऐड करें जीरा 1 टीस्पून। जीरा सिजल होते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन्हें हल्का रोस्ट करें और गैस को लो फ्लेम पे ही रखना, वरना मसाले जल सकते हैं। अब ऐड कर दें बॉइल्ड आलू और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। मैंने इस रेसिपी में बहुत ही कॉमन मसालों का इस्तेमाल किया है, जो हर किसी के किचन में होता है, और यही मसाले काफ़ी होते हैं आलूओं को बेहतरीन टेस्ट देने के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और फिर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब मसाले आलूओं में अच्छी तरीके से कोट हो जाएं, तब गैस को कर दें मीडियम फ्लेम पे और इसे ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। ये रेसिपी वाकई में बहुत सिंपल है। इसमें ना कोई प्याज को चॉप करने की ज़रूरत, ना लहसुन की ज़रूरत, ना अदरक और ना ही कोई एडिशनल मसालों की ज़रूरत। ये सब्ज़ी ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, आलूओं में अच्छी तरह फ्लेवर अब्सॉर्ब हो चुका है और आलू भी अच्छी तरह पकी हुई है। तो आज ही आप सभी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स या डिनर या एक्स्ट्रा सब्जी के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और मिनटों में बन जाती है। तो ऐसे ही इजी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें।